हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। और ये वर्कशीट है 27 तारीख की और वर्कशीट नंबर है 95। ये कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। तो बच्चों, आज की वर्कशीट की हेडिंग है रावण का चित्र। दशहरे के दिन आप सभी ने टीवी पर रावण दहन देखा होगा। रावण का पुतला देखकर राहुल और उसके दोस्तों ने रावण का चित्र बनाने का सोचा, उसकी ड्राइंग बनाने की सोची। सभी बच्चों ने रावण के सुंदर सुंदर चित्र बनाए, लेकिन कुछ बच्चों ने रावण के सिर बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। रावण के 10 सिर होते हैं। कितने सिर होते हैं? 10। लेकिन राहुल ने रावण के 9 ही सिर बनाए और पिंकी ने तो रावण के सिर्फ 5 ही सिर बनाए। इसी तरह कुछ और बच्चों ने भी गड़बड़ कर दी है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर यह बताइए कि हर बच्चे को रावण के और कितने सिर बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों के द्वारा बनाए गए रावण के चित्र। ये चित्र बच्चों ने बनाए हैं। चित्र में रावण के सिरों की संख्या, तो चित्र में कितनी संख्या है वो लिखना है। कितने और सिर बनाने हैं, कितने और बनाने पड़ेंगे वो लिखेंगे। तो पहला देखते हैं राहुल का चित्र। राहुल ने कितने सर बनाए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राहुल ने बनाए हैं 9 सिर। और कितने सिर होते हैं? 10 होते हैं रावण के। तो 10 बनाने के लिए कितना और बनाना पड़ेगा? 1। जैसे ही वो एक और सिर बनाएगा कितने हो जाएंगे? 10। वैसे ही पिंकी ने बनाए हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो 5 ही बनाए हैं। और कितने और बनाने पड़ेंगे कि 10 हो जाए? वो 5 और सिर बनाएगी तो कितने हो जाएंगे? 10। अगला है सीमा। सीमा ने बनाए हैं 1, 2, 3, 4। 4 सिर बनाए हैं। अब कितना और जोड़े कि 10 बन जाए? तो 6 सर और बनाने पड़ेंगे। देखो, जैसे ही वो 6 सर और बनाएगी कितने हो जाएंगे? 10। फिर है रोहित। रोहित ने बनाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10। मतलब 3 और बनाएगी ये, तो अगर रोहित जैसे ही 3 और बनाएगा कितने हो जाएंगे? 10। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण देने के लिए यह भी बताएं कि कोरोना महामारी जैसी बुराई से बचने के लिए मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने जैसी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो बच्चों, आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है, क्योंकि जो लोग बुराई के रास्ते पर चलते हैं उनके साथ कैसा होता है? जैसे रावण के साथ हुआ था। तो हमेशा अच्छाई की जीत होती है, आप हमेशा सही राह पर चलेंगे। और कोविड के दौरान क्या करना है? मास्क लगा कर रखना है, हाथ बार बार धोते रहने हैं। और जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। तो बच्चों, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क। मास्क पहनकर ही बाहर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।